साल 1528, अयोध्या में एक ऐसे स्थल पर मस्जिद का निर्माण किया गया जिसे कुछ हिंदू अपने आराध्य देवता राम का जन्म स्थान मानते थे। समझा जाता है कि मुगल सम्राट बाबर ने यह मस्जिद बनवाई थी, जिस कारण इसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता था। 1855, यहाँ एक हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ जिसके कारण मस्जिद के सामने एक बाहरी घेरा बना दिया गया। इस कार्रवाई ने हिंदुओं को आंतरिक आंगन तक पहुंचने से रोक दिया, जिससे उन्हें बाहरी आंगन में एक मंच पर प्रसाद चढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया। साल 1856-57, इस दौरान हनुमानगढ़ी और बाबरी मस्जिद के आसपास एक सांप्रदायिक दंगा हुआ। ऐतिहासिक वृतांत बताते हैं कि घटना से पहले मुसलमानों और हिंदुओं दोनों की पहुंच पूजा के लिए मस्जिद क्षेत्र तक थी। दंगा औपनिवेशिक सरकार को सत्ता हस्तांतरण के साथ हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप मस्जिद के बाहर एक ईंट की दीवार की रेलिंग स्थापित की गई। 1859, ब्रितानी शासकों ने विवादित स्थल पर बाड़ लगा दी और परिसर के भीतरी हिस्से में मुसलमानों को और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दे दी। 1885, महंत रघुवर दास ने राम जन्मस्थान के महंत होने का दावा करते हुए एक मुकदमा दायर किया, जिसे 1885 का मुकदमा के रूप से जाना जाता है। उन्होंने बाहरी प्रांगण में राम चबूतरा पर मंदिर बनाने के लिए अनुमति मांगी। 1934 में एक सांप्रदायिक घटना घटी जिससे मस्जिद को नुकसान पहुंचा, हालांकि इसे बाद में बहाल कर दिया गया। दस्तावेजों से पता चलता है कि औपनिवेशिक प्रशासन ने मस्जिद की मरम्मत और नवीनीकरण को मंजूरी दे दी। साथ ही घटना के दौरान मस्जिद को हुए नुकसान के लिए हिंदुओं पर जुर्माना लगाया गया। 1949, मस्जिद में भगवान राम की मूर्तियां मिली। कथित तौर पर कुछ हिंदुओं ने ये मूर्तियां वहां रख दी थी। सरकार साइट को विवादित क्षेत्र घोषित करती है और प्रवेश द्वार पर ताला लगा देती है। 16 दिसंबर 1949 को के नैयर ने उत्तर प्रदेश के गृह सचिव गोविंद नारायण को बाबरी मस्जिद स्थल पर एक ऐतिहासिक मंदिर के बारे में सूचित किया। बाद में नैयर भारतीय जनसंघ के उम्मीदवार के रूप में लोकसभा के सदस्य बने। 1984, कुछ हिंदुओं ने विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में भगवान राम के जन्मस्थल को मुक्त करने और वहां राम मंदिर का निर्माण करने के लिए एक समिति का गठन किया। बाद में इस अभियान का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के लालकृष्ण आडवाणी ने संभाल लिया। पहली रथ यात्रा साल 1984 में बिहार के सीतामढ़ी से शुरू हुई और अक्टूबर में अयोध्या पहुंची। 1986, जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए विवादित मस्जिद के दरवाजे पर से ताला खोलने का आदेश दिया। मुसलमानों ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन किया। साल 1989, विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए अभियान तेज किया और विवादित स्थल के नजदीक राम मंदिर का शिलान्यास किया। साल 1990, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को कुछ नुकसान पहुंचाया। तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने वार्ता के जरिए विवाद सुलझाने के प्रयास किए, मगर अगले वर्ष वार्ताएं विफल हो गईं। लालकृष्ण आडवाणी ने आंदोलन के लिए समर्थन बढ़ाने के मकसद से गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की। इस बीच सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप देश भर में हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। दंगों में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। 1993, नरसिम्हा राव सरकार ने लगभग 68 एकड़ भूमि अधिग्रहित करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया। बाद में इसे एक कानून के रूप में पारित किया गया। फरवरी 2002, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को शामिल करने से इनकार कर दिया। विश्व हिंदू परिषद ने 15 मार्च से राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू करने की घोषणा कर दी। 13 मार्च 2002, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि अयोध्या में यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी और किसी को भी सरकार द्वारा अधिग्रहित जमीन पर शिला पूजन की अनुमति नहीं होगी। केंद्र सरकार ने कहा कि अदालत के फैसले का पालन किया जाएगा। अप्रैल 2003 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने विवादित स्थल की खुदाई शुरू की। जून महीने तक खुदाई चलने के बाद आई रिपोर्ट में कहा गया कि उसमें मंदिर से मिलते जुलते अवशेष मिले हैं। मई 2003, सीबीआई ने 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी समेत 8 लोगों के खिलाफ
पूरक आरोप पत्र दाखिल किए। अगस्त 2003 भाजपा नेता और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर निर्माण के लिए एक विशेष विधेयक लाने के वीएचपी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। अप्रैल 2004 आडवाणी ने अयोध्या में अस्थायी राम मंदिर में पूजा की और कहा कि मंदिर का निर्माण जरूर किया जाएगा। 28 जुलाई 2005 लाल कृष्ण आडवाणी बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में रायबरेली की एक अदालत में पेश हुए। अदालत ने लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ आरोप तय किए। 20 अप्रैल 2006 कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने लिब्रहान आयोग के सामने लिखित बयान में आरोप लगाया कि बाबरी मस्जिद को ढहाया जाना सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा था और इसमें भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल और शिवसेना की मिलीभगत थी। 24 नवंबर 2009 लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश हुई। आयोग ने अटल बिहारी वाजपेयी और मीडिया को दोषी ठहराया और नरसिंह राव को क्लीन चिट दे दी। 30 सितंबर 2010 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने अयोध्या में विवादित भूमि को तीन हिस्सों में बांट दिया। सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान को मुस्लिम और हिंदू वादियों के बीच 2:1 के अनुपात में एक तिहाई भूमि आवंटित की गई थी। 21 मार्च 2017 पूर्व मुख्य न्यायाधीश खेहर ने सभी पक्षों के बीच अदालत के बाहर समाधान का सुझाव दिया। साल 2019 में ही सुप्रीम कोर्ट ने पूरी विवादित जगह को रामलला को सौंपने का आदेश दिया। वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित की। साल 2020 5 अगस्त को राम मंदिर के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया। 22 जनवरी 2024 नए राम मंदिर का अयोध्या में उद्घाटन होगा।